इलाहाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा नेता दयाशंकर गुप्ता की गोली मारकर की हत्या। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में थाना एतमादौला परिसर में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। एक व्यक्ति ने अजगर को पकड़ थैले में किया बंद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आगरा में 18 जिलों के शहर और जिला अध्यक्षों के साथ की समीक्षा बैठक। भाजपा पर जमकर बरसे। और शारदीय नवरात्र आज से हुए शुरू। मंदिरों में नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की जा रही है पूजा। फिरोजाबाद से सबसे बड़ी खबर। भाजपा नेता दयाशंकर की गोली मारकर की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष के पद पर थे दयाशंकर गुप्ता। इलाज को आगरा ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। भाजपाइयों और परिवारी जनों में भारी आक्रोश। एमजी रोड पर काटा हंगामा। फिरोजाबाद में थाना नारकी के नगला बीच की घटना। फिरोजाबाद की टूड़ा विधानसभा में बाइक सवार बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दुकान बंद कर घर जा रहे भाजपा नेता दयाशंकर गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गुस्साए व्यापारियों ने जाम लगा दिया। मौके पर कई थानों का फोर्स पहुंच गया। आपको बता दें कि थाना नारकी क्षेत्र के नगला बीच के रहने वाले दयाशंकर गुप्ता की नगला बीच में परचून की दुकान है। इसके साथ ही वह भाजपा मंडल में उपाध्यक्ष भी थे। शुक्रवार रात करीब 8 बजे वह दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी एक अपाचे पर सवार 3 बदमाश आए और उन्होंने तमंचे से दयाशंकर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली उनके सीने में जाकर लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। वही हमलावर मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खून से लथपथ भाजपा नेता को आनंद फानन में आगरा निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाजपा नेता की मौत की खबर लगते ही नगला बीच में व्यापारियों ने एकत्रित होकर जाम लगा दिया। घटना की जानकारी होने पर एसपी सिटी मुकेश चंद मिश्रा समेत कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर जाम खुलवाया, तो वहीं हमलावरों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। उधर आगरा में रामरघु अस्पताल पर बड़ी संख्या में भाजपाई और परिजनों ने अस्पताल के बाहर ही शव रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई, लेकिन बाद में किसी तरह से समझा बुझाकर पुलिस ने स्थिति को शांत करा दिया।